हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, किसी दूसरे में तो हर कोई कमी निकाल देता है और साथ ही साथ उसे बदलने की सीख भी दे देता है, पर लेकिन क्या आपने अपने आप को बदलने के लिए कभी कोई कदम उठाया है? अगर नहीं तो ये कहानी आपको एक अच्छी सीख दे सकती है। रोहित 8वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत ही आज्ञाकारी था और हमेशा औरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह शहर के एक साधारण से मोहल्ले में रहता था, जहाँ बिजली के खंभे तो लगे थे पर उन पे लगी लाइटें सालों से खराब थी और बार बार कंप्लेन करने के बाद भी उन्हें कोई ठीक नहीं करता था। रोहित अक्सर सड़क पर आने जाने वाले लोगों को अंधेरे के कारण परेशान होते हुए देखता था। उसके दिल में उन्हें देखकर एक ही बात आती थी कि वो इस समस्या को कैसे दूर कर सकता है। इसके लिए वो जब भी अपने माता पिता या फिर पड़ोसियों से कहता था तो सब इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही कहकर इस बात को टाल दिया करते थे। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गए। एक दिन रोहित कहीं से एक लंबा बांस और एक बिजली का तार लेकर आया और अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसने उस बांस को अपने घर के सामने गाड़ दिया और उस पर एक बल्ब लगाने लगा। आसपास के लोगों ने उसे देखा और पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? रोहित बोला, मैं अपने घर के सामने एक बल्ब चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। पड़ोसियों ने सवाल उठाया, इससे क्या होगा? अगर तुम एक बल्ब लगा भी देते हो तो इस बल्ब से पूरे मोहल्ले में तो प्रकाश नहीं फैल सकता, आने जाने वाले लोगों को तब भी परेशानी ही उठानी पड़ेगी। रोहित बोला, आपकी बात सही है, पर ऐसा करके कम से कम जो लोग मेरे घर के सामने से जाएंगे उन्हें तो परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहते हुए उसने बल्ब को वहां पर टांग दिया। रात को जब बल्ब चला तो ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। किसी ने रोहित के इस कदम की खिल्ली उड़ाई तो किसी ने उसकी प्रशंसा की। एक दो दिन बीतने के बाद लोगों ने इस बात को लेकर एक हवा सा बन गया और सभी अपने घर के सामने बल्ब लगाने लगे। फिर क्या था, महीना बीतते बीतते पूरे मोहल्ले के हर एक घर के सामने एक एक बल्ब लग चुका था और पूरा मोहल्ला प्रकाश से जगमगा उठा था। एक छोटी सी लड़के के एक कदम ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया था कि ये बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई और हर अखबार ने इसे एक खबर बना दिया। इससे प्रशासन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आकर मोहल्ले के हर स्ट्रीट लैंप को सही कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ, कई बार हम बस इसलिए किसी अच्छे काम को करने में संकोच कर जाते हैं क्योंकि हमें उससे होने वाला बदलाव बहुत ही छोटा प्रतीत होता है, पर हकीकत में हमारा एक छोटा सा कदम एक बड़ी क्रांति का रूप लेने की ताकत रखता है। हमें वो काम करने से कभी भी नहीं चूकना चाहिए जो हम कर सकते हैं। इस कहानी में भी अगर रोहित ने उस स्टेप की वजह से पूरे मोहल्ले में रोशनी नहीं आ पाती, अगर वो उस कदम को नहीं उठाता, पर लेकिन उसने वो कदम उठाया और उसने एक बदलाव ला दिया। रोहित की तरह हमें भी बदलाव को लाना चाहिए और जो हमारे पास आइडियाज हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अपनी और दूसरों की प्रॉब्लम को कम करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।